हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इंडियन रोमांटिक ड्रामा मूवी कामसूत्र। इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक राजकुमार कामवासना में इतना ज्यादा डूब जाता है कि उसके चलते उसका सारा राजपाट मिट्टी में मिल जाता है। राजा अपनी दासी के प्रेम में इतना ज्यादा खो जाता है कि उसके आगे वह अपनी बीवी को भी छोड़ देता है। तो कैसी है इस राजकुमार की रासलीला, आइए जानते हैं। इस मूवी के एक्सप्लेनेशन में मूवी शुरू होती है और हम लोग दो छोटी लड़कियों तारा और माया को देखते हैं। तारा राजा की बेटी होती है और माया एक दासी की बेटी होती है। अब सीन चेंज होता है और हम लोग रस्सा देवी को देखते हैं। रस्सा देवी लड़कियों को प्यार करना और डांस करना सिखाया करती है। रस्सा देवी में कुछ ऐसी बात थी कि बहुत से राजा उस पर मरा करते थे। तारा और माया भी रस्सा देवी जैसा बनना चाहती थी ताकि ये दोनों भी बड़े होकर मर्दों को अपने वश में रख सकें। अब हम लोग एक अपाहिज को देखते हैं जिसका नाम विक्रम होता है और वो तारा का बड़ा भाई होता है। तारा का भाई विक्रम हमेशा माया को छेड़ा करता था। विक्रम मन ही मन में माया से प्यार करता था लेकिन माया को विक्रम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर हम लोग तारा और माया को डांस करते हुए देखते हैं। माया का डांस और उसके एक्सप्रेशन भी काफी अच्छे थे। धीरे धीरे तारा के मन में माया के लिए जलन आने लगती है। फिर टाइम बीतता है। अब तारा और माया बड़े हो चुके हैं और माया राजा के सामने डांस कर रही होती है। माया का डांस काफी अच्छा होता है। राजा और रानी माया के डांस से खुश होकर उसे इनाम में कपड़े देते हैं। तारा को माया से जलन होने लगती है। तारा माया को कहती है कि कपड़े तुम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं, तुम मेरी शादी में यही कपड़े पहनना क्योंकि कपड़े नए नहीं पुराने हैं, मेरे ही उतारे हुए हैं। ये सुनकर माया उदास हो जाती है। माया एक दासी की बेटी थी जिसकी वजह से वह हमेशा तारा के पुराने कपड़े पहना करती थी। फिर हम देखते हैं कि तारा की शादी के लिए राजा उसे देखने आया हुआ है। राजा तारा को देखता है लेकिन जैसे ही उसकी नजर माया पर पड़ती है वह तारा को छोड़ माया को देखने लगता है, जिससे तारा माया पर गुस्सा करती है और उसके मुंह पर थूक कर उसे वहां से जाने के लिए कहती है। माया रोते रोते वहां से चली जाती है लेकिन इस बेइज्जती के बाद माया अपने मन में ठान लेती है कि वह इसका बदला तारा से जरूर लेगी। इसलिए वह और भी ज्यादा अच्छे से तैयार होकर वहां काम करने लग जाती है। तभी राजा के मूर्तिकार जयकुमार की नजर माया पर पड़ती है। जयकुमार पहली ही नजर में माया पर फिदा हो जाता है और मन में सोचने लगता है कि वह अपनी अगली मूर्ति माया को ही बनाएगा। फिर माया जानबूझकर राजा के पास जाती है। राजा माया को देखते ही अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और फिर दोनों वहां इंटीमेट होते हैं, लेकिन यह सब तारा का भाई विक्रम देख लेता है। अब राजा और तारा की शादी हो जाती है। विदाई के टाइम माया धीरे से तारा को कहती है कि मैंने आज तक तुम्हारे पहने हुए कपड़े पहने हैं लेकिन आज मेरा इस्तेमाल किया हुआ पति मैं तुम्हें देती हूं। अब तारा सब समझ जाती है और उदास होकर वहां से चली जाती है। फिर एक दिन विक्रम माया को शादी के लिए पूछता है लेकिन माया उसे मना कर देती है और साथ ही में उसकी बेइज्जती भी कर देती है। गुस्से में आकर विक्रम माया और राजा के बीच हुए कारनामे के बारे में रानी को बता देता है। रानी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और माया को राजमहल से निकाल देती है। फिर हम देखते हैं कि राजा और तारा इंटीमेट हो रहे होते हैं लेकिन इंटीमेट होते टाइम राजा के मुंह से गलती से तारा की जगह माया का नाम निकल जाता है। तारा गुस्से से रोने लगती है और राजा को अपने पास नहीं आने देती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माया राजमहल से निकाले जाने के बाद पैदल पैदल इस राजा के राज्य में आ जाती है। वहां पहुंचने पर वह मूर्तिकार जयकुमार से मिलती है। फिर जयकुमार माया की मूर्ति बनाने लगता है। मूर्ति बनाने के लिए जयकुमार माया को इधर उधर छूने लगता है। माया को यह अच्छा नहीं लगता, गुस्से में वहां से जाने लगती है। जयकुमार माया के पास जाता है और कहता है कि तुम मुझे गलत मत समझो, मैं अपनी सभी मूर्ति ऐसे ही बनाता हूँ। माया के पास रहने के लिए घर नहीं था इसलिए जयकुमार माया को रस्सा देवी के पास ले जाता है। रस्सा देवी माया को बहुत प्यार से अपने पास रखती है। रस्सा देवी माया को बताती है कि जयकुमार दूसरे मर्दों की तरह नहीं है, वह दिल का बहुत साफ है। यह सुनकर माया जयकुमार के पास जाती है और दोनों फिर इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन जयकुमार के होश उड़े हुए होते हैं। वो अपने काम में मन नहीं लगा पा रहा होता है। उसके दिल में तो बस माया ही चल रही थी, उसे हर जगह माया ही दिखाई दे रही थी। इसी के चलते जयकुमार माया को छोड़ देता है। माया उसे बहुत समझाती है लेकिन जयकुमार नहीं मानता। अंत में माया निराश होकर रस्सा देवी के पास चली जाती है। माया रस्सा देवी से कहती है कि वह कामसूत्र की सभी कलाएं सीखना चाहती है। फिर रस्सा देवी माया को सारी कलाएं सिखाती है और उसे इनमें माहिर कर देती है। दूसरी तरफ जयकुमार भी अपनी मूर्ति को कंप्लीट कर लेता है। राजा इस मूर्ति को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और जयकुमार से पूछता है कि ये किस लड़की की मूर्ति है।
जय कुमार कहता है कि लड़की अब यहाँ नहीं है और वह कहीं चली गई है। राजा पूरे राज्य में लड़की को ढूंढने के लिए ऐलान करवा देता है, इसे ढूंढने पर इनाम भी रख देता है। यह सब देखकर जयकुमार को अपनी गलतियों का एहसास होता है और रस्सा देवी के पास माया से माफी मांगने जाता है, लेकिन माया उससे नहीं मिलती है और उसे वहां से जाने के लिए बोल देती है। माया को पता चलता है कि राजा उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है, तब वह यह फैसला करती है कि वह उससे मिलने खुद ही जाएगी। वह अच्छे से तैयार होकर राजा के महल में जाती है। वहां वो तारा से मिलती है। माया को देखकर तारा जलने लगती है, लेकिन तारा की सास उसे समझाती है कि यह तो सदियों से होता आया है। हम बीवियों का काम राजाओं के वंश को आगे बढ़ाने का है। राजाओं की कामवासना मिटाने का काम तो यह सभी करती है। रस्सा देवी ने मेरे पति को भी अपने वश में कर रखा था और अब तुम्हारा पति माया के वश में है। हम लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ राजा अपनी मौज मस्ती में डूबा होता है। उसे राज्य की कोई चिंता नहीं होती। उसका वजीर उसे बताता है कि दूसरे राज्य हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं, लेकिन राजा इस बात को नजरअंदाज कर देता है। फिर रात को माया राजा के पास जाती है। वहां वो राजा के साथ फिर से इंटीमेट होती है और रस्सा देवी की सिखाई हुई सभी काम सूत्र की कलाओं को राजा के साथ इस्तेमाल करती है। फिर हम देखते हैं कि राजा और जयकुमार एक दूसरे के साथ कुश्ती लड़ रहे हैं। जयकुमार राजा को कुश्ती में हरा देता है। राजा जयकुमार को कहता है कि तुम अच्छे लड़े, लेकिन अगली बार अगर तुमने मुझे हराया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। राजा जयकुमार को महल में लेकर आता है और माया से मिलवाता है। राजा जयकुमार से कहता है कि माया की एक मूर्ति बनाई जयकुमार मान जाता है, लेकिन वह राजा के सामने एक शर्त रखता है और कहता है कि मूर्ति बनाते समय वह माया के साथ अकेले कमरे में होगा। राजा मान जाता है और वहां से चला जाता है। फिर जयकुमार माया से माफी मांगता है, उसे शादी करने के लिए पूछता है। माया भी मान जाती है। हम लोग देखते हैं कि राजा विक्रम के खराब हाथ का मजाक बना रहा है। विक्रम को बहुत बेइज्जती महसूस होती है और वह राजा से बदला लेने के लिए शाह के पास चला जाता है और वहां जाकर कहता है कि राजा पर हमला करने का यह सही समय है। इस समय वह बिल्कुल कमजोर हो चुका है और अपनी मस्तियों में डूबा हुआ है। फिर हम लोग देखते हैं कि जयकुमार माया से मूर्ति बनाने के बहाने बार बार अकेले मिलता था और अकेले में दोनों एक साथ इंटीमेट होते थे, लेकिन एक दिन राजा को इनके बारे में पता लग जाता है और वह गुस्से में आकर फिर से जयकुमार के साथ कुश्ती लड़ने की सोचता है। फिर अगले दिन ये लोग कुश्ती लड़ रहे होते हैं। जयकुमार राजा को फिर से कुश्ती में हरा देता है। राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर वह जयकुमार को कैद खाने में डाल देता है। अब जयकुमार को बचाने के लिए माया तारा से मदद मांगती है। तारा कहती है कि राजा को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वह डॉक्टर की हेल्प से माया को जयकुमार से मिलवाती है। माया जयकुमार से मिलती है और कहती है कि हम लोग शादी कर लेते हैं और कहीं दूर जाकर बस जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि माया राजा के पास जाती है और राजा से कहती है कि वह जयकुमार को छोड़ दे, इसके बदले में वह जो बोलेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। माया की आंखों में जयकुमार के लिए प्यार देखकर राजा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर अगले दिन जयकुमार को हाथियों से कुचलवा देता है। यह देखकर माया बहुत दुखी हो जाती है और जयकुमार की विधवा बनकर घूमने लग जाती है। तभी राज्य पर शाह भी हमला कर देते हैं और राजा को भी मार देते हैं और मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। ऐसी और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।